कंगना रनौत द्वारा पंजाबियों को अलगाववादी और आतंकी कहे जाने पर पंजाब के कांग्रेस पार्टी के सांसद पार्लियामेंट के पहले सेशन में इस मामले को लेकर कंगना रनौत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में सफाई मांगेंगे। पंजाब किसान कांग्रेस के अध्यक्ष किरणजीत सिंह संधू का दावा। संधू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां CISF के जवान कुलविंदर कौर को शेरनी कहा तो कंगना को कबूतरी तक बोल दिया और कहा कि कंगना पंजाबियों से माफी मांगे नहीं तो कंगना को मोहाली से मंडी नहीं जाने दिया जाएगा और सारी पार्टी आज कुलविंदर कौर के साथ है। आगे क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए आपको दिखाते हैं। खालिस्तानी इस करके क्या सिक्योरिटी लेना चाहती होर भी हाई फाई जेड प्लस लेना चाहती पाना चाहती है दो बातें होती है ना तो मुझे पुलिस आई है कि उसने थप्पड़ मारा है अगर पुलिस नहीं आई है तो किस बिहार पे उसके पर्चा दर्ज किया है। सेकंडली वो CISF की जवान है अगर वो अपनी ड्यूटी अगर वो अपनी ड्यूटी कर रही है तो संसद को क्या हक है चाहे वो MP बन गए उनको क्या हक है कि वो रूल को ब्रेक करे। कहीं पे प्रावधान है यहाँ पे कि आप रूल ब्रेक कर सकते हैं अगर आप MP बन गए हैं। जब कंगना बयान देती है कि जो किसान धरने पे बैठे हैं वो 100-100 रुपए के लिए बैठे हैं वो तो ऑफिशियल बयान है ना उस पे क्या कार्रवाई की गई कंगना के टोली जा रहे हैं दोगे तो उससे क्या होता है ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है इनको रोकना चाहिए। जो भी हेट स्पीच करता है वो किसी भी पार्टी का हो किसी भी कास्ट का हो किसी धर्म का हो अगर आप हेट स्पीच वाले बंदे को लोकसभा टिकट देते हैं किसान को जो जीप के नीचे दर्द रहता है उसको टिकट देते हैं तो वायलेंस बढ़ेगा या घटेगा जी आप बता दीजिए। आपकी पार्टी के साथ MP तो सातों पहले सेशन में कंगना के खिलाफ पार्लियामेंट में बोलेंगे जब एक आदमी ठीक है
तो वायलेंस करता है। दो वायलेंस होते हैं, एक तो फिजिकली होती है, एक आपके आवाज से होती है। जब कंगना जी बयान देती है कि ये खालिस्तानी है, ये टेररिस्ट है, चीन बाग के साथ से मिलाया जाता है, उस वक्त कंगना में क्या कार्रवाई हुई? क्या किसान इस देश के नागरिक नहीं है? दूसरी बात, उसने हेट स्पीचेस की पंजाब के खिलाफ, उसको लोकसभा टिकट दी गई। मिश्रा जी यूपी में, ठीक है, उन्होंने किसान पे गाड़ी चला दी, 8 किसान मारे के बाद में उनको लोकसभा टिकट दे दी गई। ठीक है सर, तो यहाँ पे जो लोग हेट स्पीच देते हैं, जो यहाँ पे एक स्लोगन बहुत बड़ा चला था तब, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या देश का कानून उन पे लागू नहीं होता है? सिर्फ किसानों पे लागू होता है, सिर्फ पंजाब पे लागू होता है? दूसरी बात, इसी पंजाब में थोड़े दिन पहले बीजेपी कद्दावर नेता आए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी आए थे, तो आप बता दें कब सिक्योरिटी में चूक हुई, क्या टेररिस्ट अटैक हुआ, कौन सा यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ? आप खुद एक व्यक्ति बोल देता है तो कांग्रेस बात का प्रूफ दे के पंजाब में खालिस्तानी कोई आतंकवादी है, कोई ऐसी घटना हुई है। अच्छा, उन्होंने बोल दिया, वो बड़े आदमी, उनकी मान लेगी किसान का पिछले भाई साहब, वो 16 साल से वो लड़की जॉब कर रही है, आज तक उसकी एक भी रिपोर्ट नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, अगर धुआं उठा है तो कहीं से आग लगी होगी ना, अगर उसकी इंसल्ट हुई होगी। दो बातें होती हैं, आप किसी चीज को दबा रहे हैं, उसका एक लिमिट होती है कि कितना प्रेशर झेल सकता है, तो एकदम तो वो फटेगा ना। तो आप डिमांड करते हैं कि इंडिपेंडेंट जांच हो, उसकी फुटेज बाहर आए, लोगों को पता लगे, जो अभी लोक लहर बनी है, लोगों में गुस्सा है, जो जो कंगना ने ट्वीट की है, कंगना ने कौर खालिस्तानी बोला है, वो भी बाहर आए सीसीटीवी फुटेज, और उस पर पर्चा दर्ज हो कंगना। आप जांच करें ना, जांच से पहले लोगों को तो पता नहीं क्या हुआ उसके प्रभाव। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जिस सरकारों में चलता है, पंजाब में भी यही हुआ, जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे तो कुछ नौजवानों ने सवाल पूछा, एमपी कैंडिडेट थे, कुछ बठिंडा के थे, एक फ्रीडफोर्ड में हुआ, उनके परिवार को भी उठा लिया गया। आप कार्रवाई कीजिए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, आप बोल सकते हैं। तो यही है कि तानाशाह तो नहीं है ना, कंगना भी तानाशाह नहीं है, कोई कांग्रेस का एमपी होगा वो भी तानाशाह नहीं है, पर कुछ तो होना चाहिए ना, तानाशाह तो नहीं हो जाता, आपको किसने इलेक्ट कर दिया? अच्छा, यही बात अगर जो आजाद कैंडिडेट हमारे तो जीते हैं पंजाब में, अगर यही बात वो करें तो उनको आप गुंडा बोलेंगे, उनको आप टेररिस्ट बोलेंगे, तो कानून तो सबके लिए एक है ना। तो हम कहते हैं कि सबके लिए, पंजाब के लिए भी कानून एक हो, हिमाचल के लिए भी कानून एक हो, आम नागरिक के लिए भी हो और एमपी के लिए भी। अभी पार्लियामेंट सेशन शुरू